यूक्रेन पर रशियन अटैक को चलते हुए एक हफ्ता हो गया है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रशिया पर अब तक क्या क्या सैंक्शंस लगे हैं, इन सैंक्शंस का रशिया पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इंडिया का क्या स्टैंड है रशिया यूक्रेन के इस वॉर को लेकर, अभी के क्या हालात हैं यूक्रेन में, ये वॉर कब तक और चलेगा, अब आगे क्या होगा, रशिया ने किस किस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया है, बात करेंगे यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की भी और इस वॉर का क्या रिजल्ट निकलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वॉर में अब तक क्या क्या हुआ वो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। देखिए 23 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन के दो हिस्सों लोहांस और दोनतास को अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज डिक्लेयर कर दिया, मतलब इन्हें स्वतंत्र देश की मान्यता दी। 24 फरवरी को रशियन आर्मी यूक्रेन में घुसी और यूक्रेन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इस वॉर को चलते हुए एक हफ्ता हो गया है। रशिया पर कई देशों ने अलग अलग सैंक्शंस लगा दिए हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन ने रशिया के सेंट्रल बैंक की $630 बिलियन के एसेट को फ्रीज कर दिया है। यूएस, यूके और यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से भी निकाल दिया है। स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम, ये वो सिस्टम होता है जिससे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब रशिया अब इन कंट्रीज से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। जो बाइडेन ने सभी रशियन एयरक्राफ्ट को यूएस के एयर स्पेस में एंटर करने से बैन कर दिया है। और भी कई सैंक्शंस रशिया पर पिछले कुछ दिनों में लगाए गए हैं। इन सैंक्शंस का रशिया पर क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए फर्क बिल्कुल पड़ेगा। रशियन इकोनॉमी, रशियन करेंसी, शेयर मार्केट सब कुछ बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। रशियन करेंसी रूबल 30% से भी ज्यादा नीचे गिर गई है। करेंसी डाउन होती जा रही है जिससे चीजों को खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। स्विफ्ट बैन की वजह से रशियन बिजनेसमैन अपना इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं रशिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है। लॉन्ग टर्म में इन सब सैंक्शंस का रशिया पर और भी ज़्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस इसलिए भी लगाए हैं ताकि रशिया के लोग सफ़र करें और रशिया में जो एंटी वॉर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो और भी बड़े स्केल पर चलें। रशिया के ही लोग पुतिन पर प्रेशर बनाए इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। ये देखिए रशिया में 5,500 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जो इस वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं रशिया यूक्रेन पर अटैक क्यों कर रहा है, रशिया यूक्रेन से क्या चाहता है, क्या है इस टकराव की जड़, तो आप वो वीडियो आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। इस लड़ाई में मेनली यूक्रेन के पीछे यूएसए और दूसरी तरफ रशिया है। इंडिया के लिए किसी एक की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। इंडिया रशिया के खिलाफ नहीं जा सकता है क्योंकि इंडिया के पहले से ही रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। रशिया इंडिया को फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स, बहुत सारी चीजें देता है। अप्रोक्स 80% मिलिट्री वेपन्स इंडिया में रशिया से ही आते हैं। दूसरी तरफ इंडिया यूएस के खिलाफ भी नहीं जा सकता है क्योंकि यूएसए से भी अच्छे रिलेशन बना के रखना जरूरी है। देखा जाए तो यूएसए और चाइना आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। अगर कभी चाइना इंडिया की तरफ बढ़ता है तो उसमें यूएसए इंडिया को सपोर्ट करता है। और भी कई रीजन है यूएसए के खिलाफ ना जाने के। ऐसे में इंडिया के लिए एक की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है और ये सही भी नहीं है। किसी एक को अपना दुश्मन क्यों बनाएं हम। इसलिए इंडिया ने यूएन की मीटिंग में ये कहते हुए कि इस इश्यू को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है अपना वोट किसी को भी नहीं दिया। इस टाइम यूक्रेन में हालात और भी खराब हो गए हैं। चारों तरफ बस बर्बादी का ही मंजर है। ये देखिए ये ऑरेंज डॉट्स, ये वो लोकेशंस हैं जहां जहां पर रशियन मिलिट्री ने मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। रशियन मिलिट्री तीनों तरफ से यूक्रेन को घेर रही है। पिंक शेड में ये वो एरिया है जो रशियन मिलिट्री अपने कंट्रोल में ले चुकी है, लेकिन रशिया अभी तक खार्किव और कीव को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया है। देखिए खार्किव यूक्रेन की कैपिटल कीव के बाद दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। ये दोनों यूक्रेन की मेन सिटीज हैं। इनके लिए पुतिन ने 64 किलोमीटर लंबे मिलिट्री कॉन्वॉय, मतलब मिलिट्री के काफिले को भेजा है जो कीव की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया है। यूएस की एक रिपोर्ट ने क्लेम किया है ये वॉर इतना लंबा चलेगा ये पुतिन ने नहीं सोचा था। पुतिन इस बात से काफी फ्रस्ट्रेटेड है कि इस वॉर का कुछ रिजल्ट अभी तक निकला नहीं है। रशिया पर दुनिया भर के देश सैंक्शंस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इनके अपने ही देश में इस वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए पुतिन ने इस वॉर को और भी ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया है और भी ज़्यादा मिलिट्री को भेज दिया है। यूक्रेन के लोगों ने, सोल्जर्स ने, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक स्ट्रॉन्ग करेज, कमाल की बहादुरी को दिखाया है। वो रशियन आर्मी के सामने कुछ ना होते हुए भी अपने देश को डिफेंड कर रहे हैं।
यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की भागे नहीं बल्कि वहीं रह के अपने देश के लोगों की सोल्जर्स की हिम्मत को बढ़ा रहे हैं। अभी तक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया है और ना ही नाटो को ज्वाइन किया है, लेकिन इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया है। यूरोपियन यूनियन एक कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो से। यूरोपियन यूनियन एक 27 देशों की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है, ना कि नाटो की तरह कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यूरोपियन यूनियन का मकसद है कि लोग इन देशों के बीच आसानी से आ जा सकें और बिजनेस आसानी से कर सकें। अभी आगे बात करेंगे यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द हम लेकर आने वाले हैं एक बहुत ही दमदार सीरीज कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस इसी चैनल पर, जिसका मकसद है एक आम इंसान को इंडियन सिटीजन होने के नाते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अपने फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को समझ पाए, शासन प्रशासन को समझ पाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर को समझ पाए, कैसे बनता है इंडिया में कोई भी कानून, संविधान में संशोधन कैसे होता है, संविधान में क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, इन सब को समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस दमदार सीरीज को मिस ना कर दें। अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को कैसे निकाला जा रहा है यूक्रेन से। देखिए, ज्यादातर यूक्रेन के तीन शहरों कीव, खार्किव और सूमी में इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट से वेस्टर्न पार्ट में जाके पोलैंड पहुंच रहे हैं और वहां से इनको इंडियन एयरप्लेन्स इंडिया लेके आ रहे हैं। रशिया के खार्किव पर एक अटैक में एक इंडियन स्टूडेंट नवीन शेखरप्पा मारे गए, जो कर्नाटका से बिलोंग करते थे और खार्किव में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, यहां पर जो इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हैं उनको यहाँ से यहाँ जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ रशियन अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट की है कि इस एरिया में जो हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं, आप उनको यहाँ से रशिया में जाने दो और हम उनको सेफली रशिया से निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छी बात यह है कि रशिया मान भी गया है इंडिया की इस बात को, और माने भी क्यों नहीं, इंडिया ने यूएन में रशिया के खिलाफ वोट ना देकर चुप रहकर ये काफी बड़ा सपोर्ट किया है रशिया को। अभी भी काफी बड़ी संख्या में इंडियंस फंसे हैं यूक्रेन में। इस ऑपरेशन को और तेजी से करने के लिए पीएम मोदी के कहने पर इंडियन एयरफोर्स ने इस मिशन को ऑपरेशन गंगा को ज्वाइन कर लिया है। देखिए, बात सिंपल सी है, रशिया यूक्रेन के लोगों को मारना नहीं चाहता है, ना ही रशिया ने यूक्रेन को कब्जाने के लिए ये वॉर शुरू किया है। रशिया ने नेटो से अपनी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से ये वॉर शुरू किया है। रशिया चाहता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की सरेंडर करें और ये रिटर्न में लिख कर दें कि यूक्रेन कभी भी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। अगर जेलेंस्की ने रशिया की बात नहीं मानी तो रशिया यूक्रेन का ये बॉर्डर वाला एरिया कब्जा लेगा और यूक्रेन कम्प्लीटली लैंडलॉक हो जाएगा। अगर इसी तरह आप किसी और इश्यू पर या टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह करंट अफेयर न्यूज एंड फैक्ट्स में अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।